आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज़ चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। हम आपको बता दें, मेरठ में दरोगा पर सिपाही की बेटी के शारीरिक शोषण का आरोप लगा है। यूपी पुलिस पर पहली बार आरोप नहीं है, इससे पहले भी कई बार आरोप लग चुके हैं। और हम आपको बता दें कि यूपी पुलिस अपनी करतूतों से बाज नहीं आती। यूपी पुलिस के दरोगा पर आरोप है कि दहेज के उत्पीड़न के मामले में पति को जेल भेजने के नाम पर शोषण, पति को बिना जेल भेजे चार्जशीट लगाने पर पीड़िता का हंगामा। SSP ने आरोपी दरोगा को निलंबित कर जांच बैठाई। थाना सिविल लाइन में आरोपी दरोगा विजय कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज था। सिविल लाइन क्षेत्र का मामला। मेरठ से आकाश मलिक की रिपोर्ट। मेरे साथ इतना बलात्कार कराई हो, जो है यो विजय कुमार दरोगा, इसके साथ इसके पुलिस में कुछ एक्शन लेना चाहिए, सर जेल भेजना चाहिए इसके खिलाफ। 164 का बयान भी नहीं करवा रहे हैं, मेरे बचाव में लग रही है सब। कभी मुझे पैसों का लालच करवाता है, कभी कुछ करवावा है। 3 तारीख को हुई थी, मुझे मारने की धमकी दे रही बार बार सिविल लाइन थाना में। आज इन्होंने कहा हो जाएगा लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। आज 64 के बयान नहीं हो रहे मेरे, कुछ नहीं कर रही पुलिस।